नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन चौरसिया। आज हम बात करेंगे कि पैसे से पैसा कैसे कमाएं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप लोग नौकरी करते हैं, कहीं बिजनेस करते हैं और पैसा कमाते हैं। पैसा आपके दैनिक जीवन में आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। पैसा कमाने के लिए बहुत सारे तरीके भी हैं। आप इसके लिए जॉब कर सकते हैं, आप कहीं छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं, या और भी बहुत सारे स्किल हैं, जैसे एडिटिंग कर सकते हैं, फोटोग्राफिक्स कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, वैसे आप वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल सकते हैं। ऐसे हजारों तरीके हैं पैसे कमाने के। लेकिन आज का वीडियो पैसा कमाना नहीं है, आज का वीडियो इस टॉपिक पे है कि पैसे से पैसे कैसे कमाएं। आप पैसे तो कमाते हैं, लेकिन अगर आपके पैसे, जो भी पैसा आप अर्न करते हैं, आपके खर्चे अगर उससे ज्यादा हो, जैसे मान लीजिए कि आप 25,000 रुपये महीने का कमा रहे हैं और आपके खर्चे 30,000 रुपये हो, तो इस हिसाब से आपके कमाने से ज्यादा आपके खर्चे पड़ जा रहे हैं। तो आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आपके जो दैनिक जीवन में जरूरतें हैं, वो पूरी नहीं हो पाएंगे। अगर इसको हम एक साल के हिसाब से कैलकुलेशन करके देखें, अगर आप 25,000 रुपये महीने कमा रहे हैं और 30,000 रुपये आपके महीने का खर्च पड़ रहा हो, तो इस हिसाब से हर महीने आपके ऊपर 5,000 रुपये का कर जाएगा। इस हिसाब से पूरे एक साल में लगभग 60,000 60,000 रुपये का आपके ऊपर कर्ज हो जाएगा, जो कि एक 25,000 रुपये कमाने वाले व्यक्ति के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक कर्ज होता है। उसको इससे बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल होगा। अब सवाल ये उठता है कि पैसा तो कमाते हैं, लेकिन कमाने के बाद जो पैसा आपको आता है, उसको खर्च कैसे करें और उसको बचाएं कैसे। इसलिए आप कह सकते हैं कि पैसा कमाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पैसे को बचाना, अपने खर्चे को कम करना और अपने ज़रूरतों के हिसाब से, जो बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से ही पैसे को खर्च करना। अगर हम किसी तरह से पैसा बचाना सीख जाएं, जो भी अर्निंग कर रहे हैं अपने खर्चे को कम कर दें, तो ऑटोमेटिक हमारे पास कुछ सेविंग होने लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि उस सेविंग का करेंगे क्या, उस पैसे का करेंगे क्या। कि पैसे बचाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बचे हुए पैसे को क्या करें, पैसे को निवेश कहाँ करें, बचे हुए पैसे पे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट कमा सकें। अगर आप उस पैसे को सेविंग अकाउंट में रखते हैं, आज के समय में सेविंग अकाउंट 3-4% का इंटरेस्ट दे रहा है, जबकि महंगाई दर 6-7% के आसपास है। सपोज आप मान लीजिए कि 100 रुपये किसी बैंक में आप रख रहे हैं, तो एक साल में आपको इंटरेस्ट के साथ 103 रुपये मिलने वाले हैं, क्योंकि 3-3.5% आपको ब्याज देगी बैंक। लेकिन महंगाई दर 6-7% है, तो उस हिसाब से 103 रुपये में से अगर 6 रुपये भी, अगर 6 रुपये महंगाई दर भी निकाल दें, तो आपका 97 रुपये बच जाता है, 97 रुपये आपके पास बच जाता है। मतलब जो आपकी कैपिटल थी, जो आपने पैसे सेव किए थे, इस उम्मीद से कि एक साल बाद बैंक आपको ज़्यादा देगा, एक्चुअल में बैंक आपको ज़्यादा नहीं दे रहा है, बैंक आपके पैसे को घटा के दे रहा है। मतलब आपके पैसों की वैल्यू कम हो जा रही है, यहाँ पे आपके पैसों की वैल्यू घट गई है। तब सवाल ये उठता है कि जो 100 रुपये आप निवेश किए थे, उसको कहाँ निवेश करें। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप उस पैसे को ले जाकर पहले इक्विटी में डाल दें, पहले स्टॉक मार्केट में डाल दें। इसके लिए आपको पहले एनालिसिस करना पड़ेगा। एक बात इसके लिए कही जा सकती है कि जो भी पैसे आपको निवेश करना है, ऐसे जगह पर निवेश कीजिए जहाँ पर आपके पैसों की वैल्यू घटे ना। उसको भी अपने रिस्क के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से डिफाइन करके उस पैसे को आप निवेश कर सकते हैं। आप उसको FD कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए FD कर रहे हैं, तो FD में जनरली 7-8% का आपको रिटर्न मिल जाता है, जबकि महंगाई दर 6-7% के आसपास है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर रिटर्न तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं मिला, या 0.5-1% तक आप कह सकते हैं। मतलब अगर 100 रुपये आप निवेश कर रहे हैं, तो FD का रिटर्न अगर 8% हम मान लें, तो 108 रुपये साल के अंत में आपको मिलेंगे, जबकि महंगाई दर 6-7% है। तो यहाँ पर अगर 7 रुपये माइनस कर दें इसमें हम, तो 101 रुपये होते हैं। मतलब आपको साल के अंत में जो 100 रुपये आपने निवेश किए थे, वो 101 रुपये बन रहा है। मतलब ऑलमोस्ट आपका कैपिटल सेम है, कुछ खास इंक्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन आपके पैसे की वैल्यू यहाँ पे नहीं घट रही है। तो इस हिसाब से अपने रिस्क को डिफाइन करके आप पैसों को निवेश कर सकते हैं। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग के पैसे बैंक में पड़े होंगे, सेविंग अकाउंट में पड़े होंगे। आपको ऐसा लगता है कि बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, बैंक आपको ब्याज दे रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैंक आपको ब्याज नहीं दे रहा है, बैंक आपके पैसे की वैल्यू को घटा रहा है, बैंक आपके पैसों का इस्तेमाल कर रहा है। आपके पैसे जो भी बैंक में आप निवेश करते हैं, उससे बैंक अपना बिजनेस बढ़ा रहा है, बैंक अपना कारोबार बढ़ा रहा है। इसलिए आज के समय में फाइनेंस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, पैसों की समझ होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हमें पैसा कमाना तो सिखाया जाता है, चाहे बहुत सारी डिग्रियां हैं हमारे सोसाइटी में, जो डिग्रियां आप हासिल करके कुछ पैसे कमा सकते हैं बहुत ही आसानी से, इंजीनियर, डॉक्टर, या ऐसे बहुत सारे डिग्री हैं जिसके बेस पे आप कुछ पैसे कमा सकते हैं। या आज तक हमने ऐसी कोई कॉलेज नहीं देखी जो कि पैसों के बारे में, समझ के बारे में बताता हो कि पैसों को निवेश कैसे करते हैं, पैसे से पैसे कैसे कमाते हैं, पैसों का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल डाटा के आधार पर अगर एग्जांपल देखें, तो पिछले 10 साल में अब तक लगभग 3-4 गुना महंगाई दर बढ़ा है। जो भी आप दैनिक जीवन में फिजिकल सामान यूज कर रहे हैं, जो भी आप घर में सामान यूज कर रहे हैं अपनी जरूरतों को चीज़ें पूरी करने के लिए, उनकी कीमत में लगभग 3-4 गुना के प्राइस में इजाफा हुआ है। उनकी कीमत लगभग 3-4 गुना बढ़ी है, जबकि आपकी अर्निंग 1.5-2 गुना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुनी बढ़ी है। तो पिछले 10 साल में लगभग 3-4 गुना महंगाई बढ़ी है। तो आप ऐसा अंदाजा कर सकते हैं कि आने वाले 10 सालों में लगभग 3-4 गुना या इससे ज़्यादा महंगाई बढ़ सकती है,
जो अभी का लिविंग स्टाइल है वो पिछले के मुकाबले काफ़ी फास्ट हो गया है, काफ़ी स्मार्ट हो गया है। इसमें पैसे लिविंग के लिए काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं 4 गुना की उम्मीद करूँ तो अगर आपके घर के खर्चे अभी 30,000 रुपये लग रहे हैं, तो आने वाले 10 सालों बाद अगर 4 गुना भी महंगाई दर बढ़ रहा है तो आपको घर चलाने के लिए, अपना खर्चे चलाने के लिए 1,20,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी हर महीने, जबकि आपकी अर्निंग उतनी रह जाएगी। अगर आपकी अर्निंग महीने की 30,000 रुपये है तो 10 साल में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीमेंट करके 60, 65 या 70, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 70,000 रुपये तक ही बढ़ेंगे। मतलब जो 70,000 रुपये से लेके 1,20,000 के बीच का जो गैप है 50,000 रुपये, वो आपके ऊपर कर्ज बनता जाएगा, आपके ऊपर बोझ बनता जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जो भी पैसे आप इनकम कर रहे हैं, जो भी पैसे आप अर्निंग कर रहे हैं, उस पैसे को निवेश कहाँ करें? तो एक तो मैं ऊपर बता चुका हूँ कि सेविंग अकाउंट कैसे आपके पैसे को बर्बाद कर रहा है, आपके पैसे की वैल्यू को घटा रहा है। तो पहला ऑप्शन आप एफडी कर सकते हैं। अपना रिस्क जरूर डिफाइन करें। मैं ऐसा बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा आपको कि सबसे पहले आप पैसे को डाल के ज़्यादा लालच के चक्कर में इक्विटी में डाल दें, स्टॉक मार्केट में डाल दें। स्टॉक मार्केट वोलेटाइल है, यहाँ पे पैसे बनते हैं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस करके प्रॉपर समझदारी के साथ जानना होगा। अगर आप 20 से 25 एज ग्रुप के आसपास हैं, अगर आज से आप 5,000-5,000 रुपये भी निवेश करना शुरू कर दें तो आपको अंदाज़ा भी नहीं है 20 से 25 सालों बाद वो लगभग करोड़ों रुपये बन जाएंगे। इसका कैलकुलेशन मैं अगले वीडियो में करके दिखाऊंगा कि कैसे आपके कुछ हज़ार रुपये करोड़ों रुपये बन जाते हैं। आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर थोड़ी सी समझदारी के साथ, थोड़ी सी स्मार्टनेस के साथ आप पैसा निवेश करते हैं तो आपको एवरेज लगभग 12-15% का रिटर्न मिल जाता है, जबकि आपकी महंगाई दर 6-7% है। तब भी अगर टोटल करके देखें आप तो आपको साल का 6-7% का रिटर्न मिल जाता है। और चूंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग काम करता है, कंपाउंडिंग का मतलब होता है आपके ब्याज के ऊपर ब्याज मिल रहा है, तो ये आपको 6-7% कम जरूर लग रहा होगा, लेकिन आप 20-25 सालों के बाद इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये करोड़ों में हो सकता है, आपके कुछ हज़ार रुपये करोड़ों में जा सकते हैं। यदि आप 50,000 रुपये भी मंथली कमाते हैं और कोई आपके सामने वाला 2,00,000 रुपये भी मंथली कमाता है और आपको स्मार्टली इन्वेस्ट करने आता है, पैसे की समझ है आपके पास कि पैसे को निवेश कैसे करें, पैसे को कहाँ निवेश करें ताकि पैसे के ऊपर पैसा बन सके, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट बन सके, जो कि मैं कंपाउंडिंग में बता चुका हूँ कि कंपाउंडिंग में ब्याज के ऊपर ब्याज मिल सके आपको। अगर आपको इसकी थोड़ी सी अच्छी समझ आए, अगर आप स्मार्टली इसको निवेश करना जानते हैं, 50,000 रुपये इनकम के साथ ही आप आने वाले 20-25 सालों में जब आपकी एज लगभग 45-50 के आसपास होगी तब करोड़ों में खेल सकते हैं। जो कि आपके सामने वाला 2,00,000 रुपये महीने कमा रहा है उसको स्मार्टली इन्वेस्ट करने नहीं आता है, तो उससे कहीं गुना आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। आपके पास सेविंग कुछ सालों के बाद उसके मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। अगर पूरे वीडियो का सारांश के रूप में बताऊं, तो पैसे से पैसा कमाने के लिए आपको स्मार्टली निवेश करना आना चाहिए, आपको पैसों के सही इस्तेमाल करना आना चाहिए कि पैसे को डालना कहाँ है, जहाँ पे पैसे आपके महंगाई दर को बीट कर सके। चूंकि महंगाई दर 6-7% के आसपास है तो आपको ऐसी जगह पैसे डालना है, ऐसी जगह पैसे को निवेश करना है जहाँ पे आपके पैसों की वैल्यू ना घटे। जैसे सेविंग अकाउंट, वहाँ पे 3-4% का अगर रिटर्न मिल रहा है तो वहाँ पे आपके पैसे की वैल्यू घट जा रही है। FD जहाँ पे 7-8% का रिटर्न है तो वहाँ पे आपके पैसे की वैल्यू घट नहीं रही है, लेकिन ऑलमोस्ट आपका कैपिटल सेम है, वहाँ पे आपको रिटर्न भी नहीं मिल रहा है। तो अपने रिस्क के हिसाब से आप पैसे को निवेश कर सकते हैं, अपने रिस्क के हिसाब से आप पैसे को निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड जहाँ पे लगभग 12-15% का रिटर्न है, महंगाई दर 6-7% होने के बाद भी वो आपको टोटल 6-7% का रिटर्न दे देगा। अगर इसको कंपाउंडिंग में करेंगे, अगर आप कुछ हज़ार रुपये भी निवेश करेंगे तो आपको 20-25 सालों में करोड़ों रुपये बना के दे सकता है। जो कि इक्विटी, स्टॉक मार्केट वोलेटाइल तो है, लेकिन यहाँ पे पैसे लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बनते हैं, काफ़ी अच्छे खासे पैसे बनते हैं। लेकिन यहाँ पे आप बिना लर्निंग के, बिना एनालिसिस किए आप यहाँ पे कभी इंटर मत होइए। स्टार्टिंग में आप इंटर मत होइए, बिना लर्निंग के आप यहाँ पे इंटर मत होइए। लेकिन यहाँ पे कभी कभी कंपनियाँ 25-30%, 35% का भी रिटर्न देती हैं और यहाँ पे कंपाउंडिंग काम करता है, तो आपके कुछ हज़ार रुपये कितने करोड़ रुपये बन जाएंगे आप ये सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन आपको स्मार्टली चलना होगा। अगले वीडियो में हम कंपाउंडिंग के बारे में बात करेंगे कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है। अब तक हमारे वीडियो में कुछ डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।